डियर स्टूडेंट्स, आशा है आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। इन दिनों कोरोना बहुत फैल रहा है, तो आप सभी अपना ध्यान रखें। हम लोग होम साइंस में वस्त्र विज्ञान एवं परिधान पढ़ रहे हैं और इसमें हम पढ़ रहे हैं एक मानवकृत तंतु जिसका नाम है रेयॉन। रेयॉन एक मैनमेड फाइबर है जिसे फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में तैयार किया जाता है। पिछली कक्षा में हमने रेयॉन के बारे में पढ़ा कि यह किस तरह का फैब्रिक है, इसका उद्गम और इतिहास और रेयॉन के प्रकार पढ़े। इसमें हमने एक विधि नाइट्रोसेल्युलोज विधि के द्वारा निर्मित रेयॉन के बारे में भी पढ़ा था। आज की क्लास में हम क्यूप्रामोनियम विधि द्वारा रेयॉन का निर्माण पढ़ेंगे। इस विधि में क्यूप्रामोनियम, इस चित्र के अंदर क्यूप्रामोनियम विधि द्वारा रेयॉन के निर्माण को समझाया गया है। सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक एच एल देस्पिजीज ने रेयॉन का निर्माण किया। इस विधि में रुई की पट्टियों को सोडा ऐश और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उबालकर क्लोरीन से ब्लीच किया जाता है। इसके बाद बच्चों इन्हें धोकर सुखाया जाता है और सूख जाने पर इन्हें कॉपर ऑक्साइड तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घोल दिया जाता है। इससे गाढ़ा कोलाइडल घोल तैयार हो जाता है। इस कोलाइडल सॉल्यूशन को स्पिनरेट के मोटे व्यास वाले छिद्रों से होकर गुजारा जाता है और इस प्रकार रेयॉन का मोटा धागा तैयार हो जाता है। अब इसे खींचकर लंबा किया जाता है। खींचकर धागे काटने की प्रक्रिया शीशे के शंकुकार बर्तन में होती है और यहाँ नियंत्रित ताप पर मृदु जल धारा प्रवाहित की जाती है। इस कीप से धागे निकालने के बाद इन्हें पुनः डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल से धोया जाता है, जिससे कॉपर और अमोनिया घुल जाते हैं और ठोस रूप में सफ़ेद और स्वच्छ धागा प्राप्त हो जाता है। इस धागे को रोल पर लपेट लिया जाता है। ये जो मैंने आपको समझाया चित्र के द्वारा, इसी को अपन फ्लो चार्ट से भी समझ लेते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाद में आपके लिए नोट्स भी डाल दिए जाएंगे। देखो बच्चों, रुई की पट्टियों और सोडा ऐश को ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH में उबाल करके और उबला हुआ घोल प्राप्त किया जाता है। इसे क्लोरीन से ब्लीच किया जाता है। क्लोरीन से ब्लीच करने पर ब्लीच्ड पदार्थ उत्पन्न होता है और इसे पानी से धोया जाता है और सूखा पदार्थ प्राप्त होता है। इसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रतिक्रिया करवाई जाती है, जिससे कि गाढ़ा कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार होता है। इस छिद्र को, इस सॉल्यूशन को स्पिनरेट के छिद्र से गुजारा जाता है, जिससे कि मोटा धागा प्राप्त हो जाता है। एक बार जब मोटा धागा प्राप्त हो जाता है तो इसे खींचा जाता है और इसे ग्लास के कीप से होकर के गुजारा जाता है। उसके बाद मृदु जलधारा में प्रवाहित किया जाता है और नियंत्रित ताप पर और अधिक खींचा जाता है और इस प्रकार रेयॉन का पतला सफ़ेद रेशा तैयार हो जाता है। रेयॉन के निर्माण की तीसरी विधि है विस्कोस विधि। सर्वप्रथम इस विधि द्वारा रेयॉन का निर्माण इंग्लैंड के तीन वैज्ञानिक क्रॉस, बीवन तथा पीडल ने सन 1892 ईस्वी में किया था। यह विधि सस्ती है, साथ ही इस विधि द्वारा निर्मित रेयॉन उत्कृष्ट श्रेणी के होते हैं। आजकल इस विधि में थोड़ा आवश्यक सुधार करके रेयॉन का निर्माण किया जाता है। अब हम इस विधि को समझ लेते हैं। इसमें लकड़ी और बांस के गूदे और कपास की पट्टियों को चादरों के रूप में तैयार किया जाता है। इस चादर को
सोडियम हाइड्रोक्साइड के हल्के घोल में डुबोकर रखा जाता है, जिससे क्षारीय सेल्यूलोज प्राप्त होता है। इसे नियंत्रित ताप और दाब पर 3 से 4 दिन के लिए रख दिया जाता है। इसके बाद इसमें तरल कार्बन डाइसल्फाइड, जिसे CS2 कहते हैं, ये देखिए कार्बन डाइसल्फाइड मिलाई जाती है, जिससे जैंथेट सेल्यूलोज बन जाता है और इसे जैंथेशन कहते हैं। इसके बाद भी ये टुकड़ों में रहता है। इन टुकड़ों को पुनः सोडियम हाइड्रोक्साइड के हल्के घोल में डालते हैं, जिससे इनका गाढ़ा घोल तैयार हो जाता है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जैंथेशन के बाद में ऐड किया और ये गाढ़ा घोल तैयार हो गया। इसे छानकर इसकी अशुद्धियों को दूर कर लिया जाता है। तत्पश्चात इस छने घोल को स्पिनरेट के छिद्रों से होकर गुजारा जाता है इस प्रकार से, जिससे ये कड़े होकर अविरल लंबाई के रेशे के रूप में तैयार हो जाते हैं। और अधिक समझने के लिए इसे फ्लो चार्ट से हम समझ सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में लकड़ी, बांस की लुगदी, कपास की पट्टियों को सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्षारीय सॉल्यूशन से में रखा जाता है। इससे क्षारीय सेल्यूलोज प्राप्त होता है। इसे 3 से 4 दिन तक नियंत्रित ताप और दाब पर रखा जाता है। उसके बाद इसकी प्रतिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड से करवाई जाती है, जिससे कि जैंथेट सॉल्यूशन प्राप्त होता है। इस जैंथेट सॉल्यूशन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के हल्के घोल में घोला जाता है और इससे एक गाढ़ा कोलोइडल घोल तैयार हो जाता है। अब इस गाढ़े घोल को छाना जाता है और अम्लीय माध्यम में स्पिनरेट के छिद्र से गुजारा जाता है और इस प्रकार बच्चों रेयॉन का रेशा तैयार हो जाता है। बच्चों अभी तक हमने पुनर्निर्मित सेल्यूलोज रेयॉन यानी रीजेनरेटेड सेल्यूलोज रेयॉन के निर्माण की 3 विधियां पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे सेल्यूलोज एसीटेट रेयॉन के निर्माण की विधि। एसीटेट सेल्यूलोज विधि से सफलतापूर्वक रेयॉन तैयार करने का श्रेय अंग्रेजी वैज्ञानिक हेनरी वुड्रेफर्स को जाता है। सन 1914 में सर्वप्रथम हेनरी वुड्रेफर्स द्वारा इस विधि से रेयॉन का निर्माण किया गया था। सेल्यूलोज एसीटेट विधि में लकड़ी की लुगदी या कपास के लिंटर्स को एसिटिक एसिड से प्रतिक्रिया करवाई जाती है। इसके पश्चात इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड मिलाया जाता है, जिससे सेल्यूलोज एसीटेट का घोल तैयार हो जाता है। इस घोल को ठंडे पानी में डाल दिया जाता है और सेल्यूलोज एसीटेट का सफ़ेद फ्लेक निर्मित हो जाता है। इसे धोकर सुखा लिया जाता है और बाद में सूखे फ्लेक को एसीटोन में घोलकर छान लिया जाता है, जिससे अशुद्धियां निकल जाती हैं और गाढ़ा घोल तैयार हो जाता है। इस गाढ़े घोल को नियंत्रित ताप और दबाव पर स्पिनरेट के बारीक व्यास के छिद्रों से होकर निकाला जाता है और साथ ही स्टीम भी प्रवाहित की जाती है। इस स्टीम के कारण एसीटोन उड़ जाता है और रेयॉन का बारीक रेशा तैयार हो जाता है। फर्स्ट स्टेप में कपास लिंटर्स या लकड़ी या बांस की लुगदी पर एसिटिक अम्ल की प्रतिक्रिया करवाई जाती है और ये प्रतिक्रिया निश्चित समय पर और निश्चित नियंत्रित ताप में करवाई जाती है। इससे अम्लीय लुगदी तैयार हो जाती है।
सेकंड स्टेप में अम्लीय लुगदी पर एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रतिक्रिया करवाई जाती है और इससे सेल्युलोज एसिटेट का घोल तैयार हो जाता है। अब सेल्युलोज एसिटेट पर ठंडा पानी प्रवाहित किया जाता है जिसे सेल्युलोज का सफ़ेद फ्लेक प्राप्त होता है। इस सफ़ेद फ्लेक पर एसीटोन की प्रतिक्रिया करवाई जाती है और फ्लेक का रंगहीन गाढ़ा घोल तैयार हो जाता है। इस घोल को स्पिनरेट से गुजारा जाता है और ये नियंत्रित ताप और भाप प्रवाहित करके किया जाता है। इससे रेयॉन का रेशा प्राप्त हो जाता है और एसीटोन वाष्पित होकर उड़ जाता है। तो इस प्रकार एसीटेट सेल्युलोज विधि के द्वारा रेयॉन का निर्माण किया जाता है। इसे आप चित्र और फ्लो चार्ट दोनों के द्वारा में देख सकते हैं। तो बच्चों, ये थी रेयॉन के निर्माण की विधियाँ। आप इसे पढ़ें, आपके लिए नोट्स भी डाल दिए जाएंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।